कवर्स पाली के सोजत से, जहां शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर सैन समाज द्वारा फाग महोत्सव कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम में महिला पुरुष मथुरा वृंदावन की तर्ज पर प्रस्तुत भजनों पर झूमते हुए नजर आए, फूलों की वर्षा की गई। कार्यक्रम में नगर पालिका सभापति प्रतिनिधि जुगल किशोर निकुम, अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सैनी, पार्षद सुनीता सोनी, हेमंत सिंह भी सहित कई लोग मौजूद थे। भैरुनाथ मित्र मंडल के घनश्याम सेन, ओम प्रकाश सेन, राजेंद्र सेन, संदीप सेन, भरत अभिषेक सेन, रिका सेन, प्रशांत सेन, निर्मल सेन, प्रेमलता सेन के द्वारा पुष्प कर स्वागत किया गया। सोजत में आज से शुरू हुआ फाग महोत्सव पूरे चित माह तक चलेगा। सभापति प्रतिनिधि एवं समाज सेवी जुगल किशोर निकुम, अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी, पार्षद सुनीता सोनी ने बताया कि सोजत में फाग उत्सव को लेकर कई कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित होंगे, जो अगले एक माह तक प्रतिदिन जारी रहेंगे, जिसमें राजस्थानी लोक संस्कृति नजर आएगी। आज चेयरमैन साहब, सोजत में है जो होली की धूम आज से शुरू हुई है शिवरात्रि के साथ ही, किस तरह से माहौल है इस बार? जो दो साल से कोरोना काल चल रहा था, इस बार बहुत लोगों में उमंग है, उत्साह है और बहुत शानदार तरीके से इस बार मनाया जाएगा। कल गांधी समाज का जुलूस निकलेगा, इसमें बाहर से रियान पार्टी और खूब अच्छा नृत्य भी होगा। और आने वाले होली में भी दो साल से लोगों की भड़ास है, बाहर निकल नहीं पाए थे, इस बार बहुत अच्छा होगा। किस तरह का कार्यक्रम होता है, किस तरह से आपके जो सारे समाज के लोग एकजुट होकर इसमें काम करते हैं? पहले तो मैं आज से जो फाग उत्सव का कार्यक्रम सैन समाज के भैरव जी के मंदिर से हुआ है, इसके लिए मैं इन सैन समाज के सभी बंधुओं को बधाई देता हूं। और जिस तरीके से दो साल के कोविड काल के बाद में जो अब धार्मिक आयोजन शुरू हुए हैं, तो उसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों के यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं फाग उत्सव के, जो यहाँ पीढ़ियों से चला आ रहा है, वो फाग उत्सव 1 मार्च से शुरू होकर करीब 1 महीना हर मंदिर पे, सोलह शहर के अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग मंदिरों पे उसका धार्मिक आयोजन होगा और लोगों में इसको लेकर बहुत उत्साह है। उसके बाद में शीतला सप्तमी का मेला भी पिछले बार नहीं हुआ था, इस बार अच्छे तरीके से शीतला सप्तमी का मेला का आयोजन होगा और लोगों में उसको लेकर के बहुत उत्साह। जैसे आज आपने फाग उत्सव में देखा है लोगों में किस तरह का उत्साह था, उसी तरह से अभी सभी धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों का बहुत उत्साह नजर आ रहा है और बहुत अच्छे उत्साह के साथ रहेंगे। इसमें महिला किस तरह से भाग ले रही है, किस तरह महिलाओं के आयोजन होते हैं फागुन में? महिलाओं बहुत ही आराम से भाग लेती है और बहुत ही उत्साह के साथ भाग लेती है इसके अंदर। यहाँ का फागोत्सव देखकर मुझे जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के मंदिर का फागोत्सव याद आ गया है, जहाँ पर की नृत्य नाटिका 7 दिन तक चलती है और फागोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है और कृष्ण और राधा जी का नृत्य नाटिका होती है। यह देख के मुझे वो याद आ रहा है। यहाँ पर इस फागुन मास के अंदर पूर्ण उत्साह के साथ और उमंग के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है प्रोग्राम, जिसका हम सभी एंजॉय करते हैं और आज भी कर रहे हैं।